लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे। बेटा, तुमने ऐन वक्त पर आकर जो हमारी मदद की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें से जितना भी चाहो ले सकती हो। तुम ये मत समझना कि हम तुम्हारे एहसान की कीमत चुका रहे हैं। एहसान किस बात का, ये तो मेरा इंसानी फर्ज था। हर फर्ज की कोई कीमत नहीं होती। रहने दीजिए। इस इलाके के रहने वाले हो? जी नहीं। तो फिर यहाँ अकेले वीराने में क्या करेंगे जानकर? बस ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे साथ चलो। हमें तुम जैसे ईमानदार और बहादुर आदमी की जरूरत है। उस वक्त तो उसने आने से इनकार कर दिया था, पर आज उसकी मजबूरी उसे यहाँ खींच लाई है। बस यूं समझ लो बेटे, इस वक्त उसे हमारी और हमें उसकी जरूरत है। क्या बहुत रात हो गई? जाके सो जाओ, मुझ पर भरोसा रखो। Thank you.
ये तो शुरुआत। किस बात की शुरुआत? कैसी शुरुआत? कौन था ये आदमी? मुझे नहीं मालूम। आपकी हवेली में क्या हो रहा है ये आपको नहीं मालूम तो और किसे मालूम होगा? ये हवेली है या पागलखाना? आते ही आपने मुझ पर एक पहलवान से हमला करवा दिया, उसके बाद बिना मुझसे पूछे सबके सामने मेरी शादी तय कर दी, और अब आधी रात को एक अजनबी आदमी मेरे कमरे में चाकू लेकर घुसा। बस इतने में ही डर गए? मैं ऐसी मामूली बातों से नहीं डरता, लेकिन मैं कोई बलि का बकरा नहीं हूँ जिसे आप किसी की भी भेंट चढ़ा दें। आपके कहने पर मैं यहाँ चला आया, इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर तुम चाहो तो जा सकते, मगर मुझे मालूम है कि तुम जाओगे नहीं। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम्हें पुलिस से बचने के लिए, सर छुपाने के लिए एक जगह चाहिए, और मुझे तुम्हारे जैसा एक बहादुर आदमी। एक बात समझ में नहीं आई, मेरे बारे में इतना कुछ जानने के बावजूद आप मुझसे क्या चाहती हैं? बताती, हमने एक बार पहले भी सीमा की शादी तय की थी। सीमा के पिताजी की जान बचाने की कोशिश में बेचारे दीवान जी की दोनों टांगे हमेशा के लिए बेकार हो गई। उस दिन से लेकर आज तक पूरी हवेली में उस डाकू का खौफ छाया हुआ है। लेकिन वो सीमा से क्यों शादी करना चाहता है? दौलत के लिए, इस हवेली के लिए, क्योंकि वसीयत के मुताबिक ये सब सीमा को मिलने वाला है। उसके 18वें जन्मदिन पर उसी दिन सीमा को उठाकर ले जाने की धमकी दी है उसने। अब तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें यहां क्यों बुलाया है। तुमसे पहली बार मिलने के बाद हमें लगा कि तुम ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हो। अब आगे तुम्हारी मर्जी। आप बेफिक्र रहिए रानी मां, जो भरोसा आपने मुझ पर किया है उससे मैं टूटने नहीं दूंगा। लेकिन वो है कौन? कहर सिंह। जरा देखो इसे, देखो, ये हमारा आदमी है, हमारा सरदार कहर सिंह का आदमी। मार खा के आया है, मार खा के आया है हवेली से, उस हवेली से जिसकी एक एक ईंट कहर सिंह के नाम से कांपती है। सरदार, खबरदार, जो इस टूटते हुए मुंह से हमारा नाम लिया, हरामजादे, तुझे वहां किस काम के लिए रखा था? हवेली पे नजर रखने के लिए सरदार। हाँ, नजर रखने के लिए, सिर्फ नजर रखने के लिए। हवेली में कदम रखने के लिए तुझसे किसने कहा? किसी ने नहीं सरदार, किसी ने नहीं। लेकिन जब मैंने देखा कि हवेली में एक नया आदमी आया है तो हा? क्या कहा, नया आदमी? हाँ सरदार, इसीलिए मैंने सोचा। क्या क्या कहा? सोचा? तूने सोचा? मगर क्यों, क्यों सोचा? मुझे मालूम नहीं कि यहाँ कहर सिंह के अलावा और कोई नहीं सोचता। ये सिर्फ वही करते हैं जो कहर सिंह सोचता है, इसीलिए जिंदा है। मगर तूने सोचा, और सोचने से पहले ये नहीं सोचा कि तेरे इस सोचने का अंजाम क्या होगा। सरदार, सरदार मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई सरदार। तूने गलती की ये सिर्फ तू जानता है, और कहर सिंह किसी को माफ नहीं करता, ये सब जानते हैं। ए नस्वारो! आया सरदार, हुक्म। दे तो मेरी नस्वार की डिबिया, फैसला कर दो इस हराम जाने का। ताला सोचता है। मुझे माफ कर दो सरदार, अब सारी जिंदगी कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ नहीं सोचूंगा सरदार।
अब ये नस्वार तुझे माफ कर दे तो कर दे, मैं तो माफ नहीं करता। ठीक आ गई तो ठीक, वरना कसम बंदूक की। पैर पर तो सरदार तुम्हारे, मुझसे गलती हो गई सरदार, दूसरी बार गलती नहीं करूंगा सरदार, मुझे माफ कर दो सरदार, मुझे माफ कर दो सरदार। आ गई तो ठीक, वरना कसम बंदूक की। देखा तूने, अब आई, जब ये साला मर गया, एक मिनट पहले आ जाती तो बच जाता बेचारा, सारे का दिमाग ही नहीं, किस्मत भी खराब थी। नसवारू, ए नसवारू। जी जी सरदार। ये तो मर गया। आपकी गोली से कोई बचाया सरदार? नसवारू तू गधा है। वो तो हूँ, मगर क्यों सरदार? अबे उल्लू के पट्टे, असली बात तो रह गई ना, हम तो पूछना ही भूल गए कि हवेली में जो नया आदमी आया है वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या है। ये तो मर गया, अब हम किससे पूछेंगे नसवारू, किससे पूछेंगे। नसवारू, वो कहावत क्या है जिसमें चिड़िया पछताती है? अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। गलत, बिल्कुल गलत। अरे चिड़िया कैसे चुग जाएगी खेत, अपना खेत तो हमने नीचे तहखाने में बंद कर रखा, वो साड़ा हवेली का वफादार कुत्ता। ये मर जाएगा। हाँ मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। ओहो, खास बात तो हम भूल ही गए, इसीलिए नजारू, इसीलिए हम तुझे इतना प्यार करते हैं। अच्छा हुआ तूने हमें याद दिला दिया कि इस बुढ़ऊ को जान से नहीं मारना, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आग तो इसी की लगाई हुई है ना, बुझेगी भी इसी के सामने सामने।